हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवेज़, एसएससी, बैंक्स में जो कोई भी साइंस आती है उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। हर एक वीडियो आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन की ही होती है। ओके, तो इसमें आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति जो होते हैं, दलदल में फंस जाते हैं, तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? दोस्तों, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि जिससे उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब कम हो जाता है। दोस्तों, हाँ, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो दाब होता है वो जितना, यदि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उस पर उतना ही कम लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी छोटे से जगह पर, जैसे ये है, इस पर यदि बल डालते हैं तो इस पर ये क्षेत्रफल इतना है, और यदि क्षेत्रफल अधिक हो जाए तो दाब कम हो जाता है। यदि क्षेत्रफल इतना है उसके हिसाब से यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दाब हमारे ऊपर कितना कम लगेगा। ओके, ये था आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। अगला है आप लोगों के लिए, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? हिमखंड, दोस्तों आप समझते होंगे, हिमखंड से मतलब कहने का अर्थ है बर्फ का जो बड़ा पहाड़ टाइप का होता है वो, तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण उसका गलनांक घट जाता है, इस कारण से जो भारी हिमखंड होता है वो नीचे से ही पिघलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है, घटता है या बढ़ता है? तो दोस्तों, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ओके, अगला है आप लोगों के लिए, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, गहराई, जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है, जैसे ये समुद्र दिया है तो ये गहराई यदि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो उसका दाब भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसका दाब कम होता जाएगा। इसी के आधार पर मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि क्या कारण है कि पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलने लगता है, क्या कारण है? दोस्तों, दाब की कमी के कारण प्रेशर कम पड़ता है, प्रेशर की कमी के कारण ये सब कुछ होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वायुमंडलों में बादलों के तैरने का कारण है। दोस्तों, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण, बादलों के तैरने का कारण क्या है? दोस्तों, घनत्व, बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। उनका घनत्व कितना अधिक होता है या कितना कम होता है? घनत्व इतना कम होता है, ज़्यादा घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन में उसके अणुओं या परमाणुओं की संख्या को हम घनत्व कहते हैं। जैसे कि लोहे की एक वस्तु होती है तो उसके छोटे से ही भाग में बहुत सारे अणु होते हैं, इस कारण से उसका घनत्व अधिक होता है। लेकिन जो गैस होती है, कोई गैस है तो उसके अणु दूर दूर होते हैं। यदि एक ठोस है तो उसकी संरचना को इस प्रकार से रहती है, बिल्कुल इस प्रकार से अंदर से एकदम ठोस होता है, ये एकदम सॉलिड, और कोई गैस के अणु इस प्रकार से दूर दूर होते हैं। तो ये गैस, ये अणु वायुमंडल में क्या करते हैं, इनका क्या है, बहुत ही कम, दूर दूर पास पास अणु नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो इस कारण से इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, घनत्व के कारण ये वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तैराकी को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना क्यों आसान लगता है? दोस्तों, हाँ, जो हमारे तैराक होते हैं उन्हें समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी की अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, इसी कारण उनको तैराकी नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान लगता है। कारण क्या है? यही कारण है कि उसका जो घनत्व है वो साधारण पानी की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। दोस्तों, घनत्व ज़्यादा होगा तो हमारा वजन नीचे की ओर कम लग पाएगा, इस कारण से हम ऊपर की ओर ही बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित होगा क्या, अपरिवर्तित रहेगा? दोस्तों, वस्तु की मात्रा यदि बदल दी जाए, क्वांटिटी यदि बदल दी जाए, तो क्या घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ओके, अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, अगला है आप लोगों के लिए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, तो क्या होता है? थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, क्यों उठ जाती है? अभी आप लोगों को बताया कि जो घनत्व होता है, जो इसे रिलेटेड यही क्वेश्चन है कि क्या कारण है मुकाबले समुद्र में तैरता है, तो समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है साधारण पानी से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका यही कारण है कि नाव भी थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अगला है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षाकृत अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये आपको चौंका देने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अगला है आप लोगों के लिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। ओके, यही कारण है कि इस कारण से वो डूब जाती है। ओके, अगला है आप लोगों के लिए, ये दोस्तों सारे के सारे आप लोगों को सेट में प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो अभी हम कौन से क्वेश्चन पर थे? अभी थे आप लोगों को एल्कोहल वाले पर। 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि?
क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जमते हैं, जैसे ही पानी जमने लगता है तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है दोस्तों? दोस्तों यदि ये मान लिया ये एक पहाड़ी है और ये एक पर्सन चढ़ रहा है, तो ये इस प्रकार से आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर झुकते हुए ही चलता है कि नहीं? आगे की ओर झुकने से उसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है, बैलेंस ही बढ़ जाती है, इस कारण से आगे की ओर झुक कर ही चलता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस प्रकार से ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर हमारे शरीर का वजन अधिकतम होता है। और जो मध्य रेखा, भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पर शरीर का वजन न्यूनतम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी हाँ दोस्तों, यदि मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर हमारे वजन भी बढ़ जाता है, वेट भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बल गुणनफल है। जी हाँ दोस्तों, बल का सूत्र क्या होता है? एफ इज्क्वल टू एम ए। एफ इज्क्वल टू क्या होता है? ये फार्मूला होता है एफ इज्क्वल टू एम ए, न्यूटन्स लॉ से हम इसको फाइंड करते हैं। तो एफ इज्क्वल टू एम ए, तो बल पूछ रहा है किस किस का गुणनफल होता है। तो बल दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? दोस्तों विराम का जड़त्व। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ब्राह्म का जड़त्व, गति का जड़त्व क्या होता है। दोस्तों ब्राह्म के जड़त्व में क्या होता है कि जिस प्रकार से हम घोड़े पर बैठे हुए हैं तो एकदम से ही हम चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो चलना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे शरीर का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की ओर एकदम अचानक ही झुकने का क्या कारण होता है? शरीर के जो नीचे वाला हिस्सा जो घोड़े के संपर्क में था वो तो चलना प्रारंभ कर दिया, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या है? ब्राह्म अवस्था में था, तो एकदम से ही पीछे की ओर झटका लगता है। ये था दोस्तों आप लोगों के लिए ब्राह्म का जड़त्व। तो गति के जड़त्व तो क्या होता है दोस्तों? जड़त्व तो क्या होता है? जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे ही जड़त्व तो कहते हैं। तो एकदम गतिशील हुआ, तो ये आप लोगों का गति के जड़त्व, ये ब्राह्म का जड़त्व। दोस्तों ये ब्राह्म का जड़त्व था क्योंकि पहले ब्राह्म अवस्था में थी, एकदम से ही गति में हुआ, तो किसका विरोध किया इसने? ब्राह्म अवस्था का। तो ये ब्राह्म का जड़त्व था। गति का जड़त्व किस प्रकार से? जैसे अचानक हमारी बस चल रही है और अचानक से ही ब्रेक लगा देते हैं तो हम सीट पर बैठा व्यक्ति अचानक से थोड़ा सा आगे की ओर हो जाता है, ये था आप लोगों के लिए गति के जड़त्व। क्यों? क्योंकि इसमें गतिशील थे हम लोग और इसको विरोध किया जा रहा था रोकने का। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? दोस्तों रॉकेट की कार्य प्रणाली सामरिक संरचना के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये आप लोगों को समझने लायक है नहीं। अगला है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, रॉकेट का जो सिद्धांत होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व कहते हैं किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध होता है उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि क्या होता है? जिससे होता है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ओके, ये किस लिए लगाया जाता है? जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला है आप लोगों के लिए, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये तात्व नहीं होगा, शायद से तारत्व होगा, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है तारत्व। यदि ये तारत्व होगा तो तारत्व किसे कहते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा लड़कियों की आवाज़ पतली आती है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी मोटी आती है, तो ये तारत्व के कारण ही होता है। दोस्तों तारत्व जो लड़कियों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इस कारण से कभी कभार जो चिल्लाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा साउंडेड लगता है, इसका कारण यही है, उनकी आग जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी आवाज़ से थोड़ा और ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? परासरभ तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसी धातु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। किसी धातु के औसत जो गतिज ऊर्जा होती है उसके अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा का ताप उसका सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? जो वाष्प इंजन होता है, इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। जो बॉयलर होता है इंजन का, उसके अंदर दाब बहुत अधिक होता है, इस कारण से वो वाष्प उच्च हो जाता है, उबलते हुए जल का तापमान अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि पृथ्वी जमीन के अंदर जो जल है वो तो हमेशा एक ही तापमान पर रहता है, लेकिन जो हमारा ऊपरी वातावरण है उसका तापमान बदलता रहता है। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ये भी एक कारण है। जी हाँ, आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, आप नॉर्मली ही जानते हो कि जल पृथ्वी के भीतर बहुत ही गर्मी भरी हुई है, जिस कारण से कभी कभी आप लोगों ने गैसीय ऊर्जा के बारे में सुना हो, पृथ्वी में कहीं कहीं जब प्लेटें खिसक जाती हैं तो पृथ्वी जमीन के अंदर भी गैस होती है, गैसें बनती हैं, तो उनको जब हम बाहर निकालते हैं तो गैसीय ऊर्जा के रूप में इनको बाहर भी निकालते हैं, इन गैसों को किसी किसी माध्यम से। वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो शीतकालीन हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है, उसका कारण क्या है? पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ओके, इसका ये नॉर्मली कारण आप लोग जान लीजिए। अगला है आप लोगों के लिए, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। इस कारण से गैसीय तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। अगला है आप लोगों के लिए, केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? दोस्तों, केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा और एक गुप्त ऊष्मा, दो प्रकार की ऊष्माएँ होती हैं। ओके, अगला है आप लोगों के लिए, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि आपने सुना होगा रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, इस प्रकार के सुना होगा आप लोगों ने। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इस कारण से उनके मध्य थोड़ा सा स्थान छोड़ा जाता है। क्योंकि यदि संकुचित होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहीं पर संकुचित हो जाती है, लेकिन यदि फैलती है तो फैलने से, यदि गर्मियों के दिनों में ज़्यादा रेखीय प्रसार होगा जिस कारण से पटरी के ऊपर पटरी ना चढ़ जाए, इस कारण से उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या करते हैं? जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है, जल की निचली सतह नहीं जमती। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा से बाहर जाने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि उनके अंदर रूम हीटर लगाओ जो हमको गर्म करते हैं, बॉडी हीटर हो जो हमको गर्म करते हैं, नहीं, हमारा शरीर जो ऊष्मा छोड़ता है उसको वो अंदर की अंदर ही रखते हैं, जिस कारण से हमें सर्दी नहीं लग पाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो जैकेट्स वगैरह होती हैं वो थोड़ा फूला हुआ और रहता है क्योंकि उनके अंदर कुछ इस प्रकार की लगाई परतें लगाई जाती हैं जिससे हमारी अंदर की ऊष्मा बाहर ना जा पाए। ओके, तो इसी कारण से उनका प्रयोग करते हैं। आप अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो श्वेत प्रकाश जो होता है वो किसी भी प्रकार के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो सभी प्रकार के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अभी काले वस्त्र जो होते हैं वो सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण से वो अधिक गर्म होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घर की जो टंकियाँ होती हैं मोस्ट ऑफ सफ़ेद कलर की ही मंगवाई जाती हैं, क्यों? जिससे गर्मियों के दिनों में वो ज़्यादा गर्म ना हो। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, किस लिए होता है? दोस्तों, रॉकेट प्रौद्योगिकी में इनका प्रयोग होता है। कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, न्यूटन तापमानों का अनुप्रयोग करते हैं। न्यूटन तापमानों का अनुप्रयोग करते हैं दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरीगामी दूरी मिति में। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दोस्तों ये बार बार ही पीछे जा रहा है, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? इसका कारण है यह, सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर बहुत ही तेज होती है, इस कारण से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने
की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मैंने आपको कल के उसमें भी बताया था कि सीधा कोई भी ठोस गर्म होने के बाद सीधा यदि गैस में परिवर्तित होता है, ठोस सीधा गैस में परिवर्तित होता है तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को, आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को रेगुलर लेकर के आता रहूँगा। ओके, तो इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये 40 क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप लोगों के लिए बहुत सारे शेट हैं, ये मैंने अभी आपके लिए तैयार किए हैं। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आता है तो हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार 40-40 क्वेश्चन के सेट हर बार लेकर के आया करूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।